जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों यह अंतिम विदाई का वीडियो देख रहे हैं, जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का 28 वर्षीय जवान रवि चौहान का अंतिम विदाई का वीडियो है। यह जवान देश की सेवा देते हुए पंजाब के पठानकोट में 1 जनवरी को ऑन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। शहादत की सूचना घर पर पहुँचते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ था। आज 2 दिन इंतजार के बाद इनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास पर लाया गया, जहां पर पार्थिव शरीर को देखते ही वीरांगना पत्नी का रो रो कर हालत बेहद ही बिगड़ चुकी थी। आपको बताते चले कि यह जवान उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के ब्लॉक टप्पल के गांव जरतौली निवासी 28 वर्षीय जवान रवि चौहान को ऑन ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से यह जवान शहीद हो गए थे। रवि चौहान इन दिनों पंजाब के पठानकोट में तैनात थे। बीते 22 दिसंबर को इनकी तबीयत बेहद ही ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दवाई करा लिए थे, बावजूद भी तबीयत इनके सुधार नहीं हो सके। 30 दिसंबर को शाम को मिलिट्री अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ती गई और 1 जनवरी को शाम करीब 4:30 बजे यह जवान अपने दुनिया को अलविदा कह दिए। आज इनके परिजनों पर दुखों की पहाड़ टूट गया है। आपको बताते चले कि शहीद जवान रवि चौहान 8 वर्ष पहले ही सेना में ज्वाइन किए थे। करीब इनकी 4 वर्ष पहले ही शादी हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पिता स्वर्गीय राकेश चौहान सूबेदार मेजर के पद पर सेनावीरत हो चुके हैं। रवि चौहान में 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बहन की शादी हो गई थी। रवि चौहान की शादी करीब 4 साल पहले ही हो गया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी संतान नहीं है। पूरे परिवार के साथ रवि चौहान की धर्मपत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। रवि चौहान का पार्थिव शरीर मंगलवार को आने आज ही के दिन करीब 7 बजे सुबह में इनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास पर लाया गया, जहां पर अंतिम विदाई देने के लिए क्षेत्रीय भीड़ उमड़ पड़ी। सभी रवि चौहान के भारत माता के उद्देश्य लगाकर लगाते रहे नारे। सुबह करीब 10:30 बजे इनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। आपको बताते चले कि सन 2015 में रवि चौहान आर्मी में भर्ती हुए थे। रवि चौहान पंजाब के पठानकोट में पिछले करीब 1 वर्ष से तैनात हुआ था। रवि चौहान के जाने के बाद माँ और पत्नी, भाई बहन सभी का रो रो कर बेहद ही हालत बिगड़ चुकी है। आने जाने वाले लोगों को तांता लगा हुआ है। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं। अगर शहीद जवान रवि चौहान के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।